बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। क्लास सेवन्थ, दिस इज़ आवर 12th लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी विल रीड द टॉपिक वैलेंसी एंड आइंस ऑफ यूनिट नंबर 6, टॉपिक नंबर 6.4 फ्रॉम पेज नंबर 60। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स फ्रॉम पेज नंबर 60। इन दिस लेक्चर वी विल रीड वैलेंसी एंड आइंस। सो वी नाउ अबाउट वट इज़ वैलेंसी एंड वट आर आइंस। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। वैलेंसी, बेटा वैलेंसी क्या होता है? बेसिकली ये कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की और लूज़ करने की। वैलेंसी क्या होती है? कैपेसिटी, यानी कि किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करना और उसको निकालना, यानी कि खारिज करने का जो कैपेसिटी होती है, जो सलाहियत होती है, उसको हम उसकी क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। तो बेटा वैलेंसी क्या होती है? इज़ दी कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कम्बाइन विथ दी अदर एटम। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसी कैपेसिटी होती है जो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होती है। अब क्या है, वैलेंसी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज फेलोज। इसको जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, उस तरह से भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। एक इसकी डेफिनेशन तो क्या है कि ये एक एटम की दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने की जो सलाहियत होती है, मिलने की जो सलाहियत होती है, उसको क्या कहते हैं? वैलेंसी। दूसरी इसकी डेफिनेशन बेटा क्या होगी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम वांट्स टू बी लूज, गेन और शेयर इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना यानी कि खारिज करना, गेन करना यानी कि हासिल करना, या फिर उनको शेयर करना, यानी कि एक एटम, हमने कहा ना था, कहा था ना मैंने कि कंबाइन विद अदर एटम, यानी कि दूसरे एटम के साथ कंबाइन होके उसके अंदर शेयर करना इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। ठीक है बेटा, तो फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, अब वैलेंसी की एग्जांपल क्या होंगी बेटा? मिसाल के तौर पर सोडियम एटम। अब ये जो सोडियम एटम है, ये क्या करता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? देता है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी बेटा? 1। इसी तरह से फ्लोरीन एटम है, ये बेटा क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी? 1। हमने कहा है ना, गेन करेगा, लूज़ करेगा या शेयर करेगा, तो वो इसकी वैलेंसी होगी। अब वो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उतनी उसकी वैलेंसी होगी। अगर वो एक कर रहा है तो वो उसकी वैलेंसी 1 होगी, अगर 2 कर रहा है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी, 3 कर रहा है तो 3, 4, 5, इसी तरह से सो ऑन चलता रहता है। तो बेटा जो सोडियम होता है ये एक लूज़ करता है तो इसकी वैलेंसी 1 होती है, और जो फ्लोरीन होता है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इसकी वैलेंसी भी 1 होती है, और हाइड्रोजन जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो इसकी इसकी वैलेंसी भी क्या होती है? 1 होती है। तो बेटा ये तीनों के लिहाज से, लूज, गेन और शेयर के लिहाज से यहां पे आपकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। उसके बाद क्या है, इट्स वैलेंसी इज आल्सो 1, कॉपर, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन है वैलेंसी नंबर 2। अब ये जो तीन एलिमेंट्स हैं, कॉपर, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, इनकी वैलेंसी 2 होती है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज, गेन और शेयर करते हैं। उसके बाद द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन इज 3। ये जो एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन है ये लूज या गेन या शेयर करते हैं, तो इन तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं, तो इसलिए इनकी वैलेंसी 3 है। और कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4 है, क्योंकि ये 4 एलिमेंट्स को, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है? या तो लूज़ करेगी या गेन करेगी या फिर क्या करेगी, इनको शेयर करेगी। उसके बाद क्या है, आयन। आयन क्या होता है बेटा? बेसिकली किसी भी एलिमेंट के ऊपर या एटम के ऊपर जो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, वो उसका क्या होता है? आयन होता है। ठीक है, आयन बेटा क्या होता है? बेसिकली जो चार्जेस होते हैं किसी भी एटम के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एन आयन। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये Na पॉजिटिव होगा, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये Cl नेगेटिव, ऑक्साइड आयन होगा यानी कि ऑक्सीजन का जो आयन होगा उसके ऊपर, उसकी वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है, तो उसके 2 के साथ क्या लगा देंगे? नेगेटिव। कॉपर की वैलेंसी भी हमने क्या पढ़ा था? 2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करता है? लूज़ करता है, तो क्या होगा? 2 नेगेटिव होगा, और जो 2 को गेन करता है, कॉपर गेन करता है, तो ये 2 पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके बाद क्या, ये इनके साथ ये क्या थे? आयन्स थे, यानी कि इनके ऊपर जो चार्जेस थे नेगेटिव या पॉजिटिव, ये इसके क्या होती है? आयन होते हैं, और ये साथ में जो 2 2 और 1 1 को मेंशन किया, ये बेटा क्या है? ये इनकी वैलेंसी है। अब देखें, यहाँ पे 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये 1 ही चार्ज है, और यहाँ पे क्या है कि ये 1 ही चार्ज है, और यहाँ पे ये इसलिए 2 साथ लगाया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिमूव हो रहे हैं और इसमें 2 ऐड हो रहे हैं, इसलिए इनके साथ ये 2 नेगेटिव
दो पॉजिटिव, ठीक है। व्हेन एन एटम रिलीज इट्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज। देखें जब जब क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं तो आउटर मोस्ट शेल से, तो उसके ऊपर क्या होता है, वो कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब जाहिरी सी बात है जब हम जब कोई भी एटम या एलिमेंट अपने आखिरी शेल से दो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा तो क्या होगा, उसके प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर इसके ऊपर क्या आ जाता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसको हम कैटाइन कहते हैं, ठीक है। आयन की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं, कैटाइन और एनाइन। जो कैटाइन होता है बेटा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो एनाइन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। फर्दर ये आपकी पिक्स के ऊपर है, कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव है, एनाइन के ऊपर नेगेटिव है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला है ये क्या करता है, इसका पॉजिटिव फंक्शन होता है कि ये किसी को भी दे देता है, ठीक है। ये क्या करेगा, पॉजिटिव, हमारी पॉजिटिविटी होती है ना, हम किसी का कोई काम कर देते हैं, यानी कि किसी को कोई चीज़ दे देते हैं, कहते हैं अच्छी बात है कि आपने ये चीज़ उसको दे दिया, तो ये हमारा पॉजिटिविटी होती है बेटा। तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, निकाल देता है, दे देता है। अब देखें जो चीज़ ले रहे होते हैं जिसके पास नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी क्लास के अंदर पेन शेयर करते हैं, अब जो बच्चा पेन दे रहा होता है वो उसकी पॉजिटिविटी है कि उसने दे दिया है, उसका अच्छा काम है, तो उसने क्या किया उसके ऊपर पॉजिटिव, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज है। और जो ले रहा होता है क्या है, उसको पता नहीं है, मतलब वो अच्छा काम नहीं कर रहा, उसको अपनी वो केयरलेस शो करता है कि उसे अपनी चीज़ों का पता ही नहीं है मैंने क्या लेके जाना, तो बेटा क्या होता है कि इस तरह से वो नेगेटिविटी में आ जाता है उसका। तो जो देता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको हम कैटाइन्स कहते हैं, और जो लेता है वो उसके एनाइन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला होता है, ठीक है बेटा। व्हेन एन एटम अब्सॉर्ब्स वन और टू मोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज इट बिकम्स नेगेटिव आयन और एनाइन, ठीक है। वो कह रहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं या एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जज़ब हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हम या तो हम नेगेटिव आयन या एनाइन कहते हैं। अब क्या होता है, पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले जो एनाइन्स होंगे ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ये यहाँ पे उन्होंने टेबल में दिखाई हुई है, इनके एग्जांपल्स आप देखें, हाइड्रोजन है, सोडियम, सिल्वर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है, इनके ऊपर क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये होते हैं कैटाइन्स। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो H1 पॉजिटिव, सोडियम की वैलेंसी 1 है तो Na1 पॉजिटिव, सिल्वर की वैलेंसी भी 1 है तो Ag1 पॉजिटिव, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की मैग्नीशियम की 2 है तो इसकी Mg2 पॉजिटिव, एल्युमिनियम की Al3 पॉजिटिव, यानी कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स ये देता है, ये 2 देता है, ये एक एक देते हैं, ठीक है। इसी तरह से फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्साइड है, सल्फाइड है और फॉस्फाइड है। अब फ्लोराइड क्या होता है बेटा, पहले ये बेसिकली एलिमेंट फ्लोरीन होता है, ये क्लोरीन होता है, ये ऑक्सीजन होता है, ये सल्फर होता है, ये फॉस्फोरस होता है, ठीक है। लेकिन जब ये आयंस बन जाते हैं तो इनके नेम भी चेंज हो जाते हैं, फ्लोराइड बन जाता है फ्लोरीन से, ये क्लोराइड से, सॉरी, ये क्लोरीन से क्लोराइड बन जाता है, ये ऑक्सीजन से ऑक्साइड बन जाता है, ये सल्फर से सल्फाइड बन जाता है, ये फॉस्फोरस से फॉस्फाइड बन जाता है, ठीक है। तो बेटा फ्लोरीन की 1 नेगेटिव यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, क्लोराइड भी एक को करता है, ऑक्साइड भी, ऑक्साइड क्या होता है, ये 2 को क्या करता है, ऑब्टेन करता है यानी कि गेन करता है, और ये सल्फाइड जो होता है ये भी 2 गेन करता है, और जो फॉस्फाइड है ये 3 गेन करता है, इसलिए इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आता है। तो बेटा इस तरह से आज का आपका ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।